संगठन उपचुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी युवन का आगे कई के बाद जो है अब मध्य प्रदेश में होए वाले नगरी निकाय चुनाव में उम्र सीमा तय करे जा लगी जौने से लय के जौने के वजह से अब जो है मध्य प्रदेश के कई एक दिग्गज जो है यह दौड़ से उम्मीदवारी के दौड़ से बाहर हो जाए। विन्ध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी खबर के कि संगठन उपचुनाव में युवन का आगे करे वाली बीजेपी अब जो है नगरी निकाय चुनाव में यह दांव एक बार फिर खेले जा लगी। खबर यह है कि बीजेपी यह बेस जो है निकाय चुनाव में युवन का जो है ज्यादा से ज्यादा मौका दे के जो है और नए चेहरन में दांव लगावे के मास्टर प्लान बन गया है। एक एक जो है मंडल अध्यक्ष के तरह पार्षद उम्मीदवारन का 35 से 40 तक के क्राइटेरिया हो सकता है और प्रदेश भाजपा के द्वारा जो है सभी जिला में अपने संगठन पदाधिकारी का जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर ऐसा होता है तो कई एक बीजेपी के दिग्गज या क्राइटेरिया से जो है बाहर हो जाए। दरअसल जो है 2 दिन पहले निकाय चुनाव की तैयारी बैठक का लेकर जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव संचालन समिति के पहल बैठक भय रही जौने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संगठन महामंत्री सुहास भगत सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा समिति के संयोजक उमा शंकर गुप्ता शामिल रहे। यह दौरान जो है संभाग स्तर पर उम्मीदवारी चयन के बात कही गए वहीं पार्षद उम्मीदवारन के उम्र का लेके जो है चर्चा तेज भई। सूत्रन के मानी तो बैठक में युवन का जो है ज्यादा से ज्यादा आगे ले आवे तैयारी है या खाते जो है उम्र सीमा तय की जाए ताकि टिकट का लेके कोनो विवाद न हो। अक्सर देखे कि यह मिलत है कि चुनाव के दौरान जो है दावेदारन में एक अनार सौ बीमार जैसा स्थिति पनप जाती। हाल में जो है उपचुनाव के दौरान कई एक थे ऐसा घटनाक्रम सामने आए हैं। एक चलते जो है पार्टी 30 से 45 तक के नए चेहरन का आगे ले आए के 2 दशक तक के नेतृत्व करे चाह थी। एक के तहत जो है प्रदेश भाजपा सभी जिलन में अपने संगठन पदाधिकारी का जो है जिम्मेदारी दे दी। वहीं साक्षा भी और सक्रिय कार्यकर्तन का चिन्हित करके उनका आगे लावे के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ में ज्यादा से ज्यादा नए उम्मीदवारन का टिकट दे के रणनीति बनाई गई ही और यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 5ों प्रदेश महामंत्री का दी गई ही जो हर जिला में मंडल स्तर से फीडबैक ले रहे हैं। ये में जातिगत समीकरण में फोकस किया है। इससे पहले मंडल अध्यक्षन के चुनाव लड़े के आयु सीमा 35 से 40 निर्धारित कर दी गई। अब यह फार्मूला जो है बीजेपी नगरी निकाय चुनाव में लागू करे जा रहा है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावन से जोड़ के यह फैसला जो है देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उम्र के वजह से कई एक जिला में दावेदार पार्षद के दौड़ से जो है बाहर हो जाए। वही कई एक जिला में जहां भाजपा के पास नेतन के जो है अकाल है ऐसा में जिला में 50 पार के नेतन का मौका मिल सकता है। उम्मीदवार चयन में जातिगत समीकरण के विशेष ध्यान रखा जाए चूंकि यह चुनाव में खासा प्रभाव देखा जाता है। हालांकि कई एक सीट वर्ग विशेष खिते निर्धारित है ऐसा मां बीजेपी दांव खेले से न चूकी। बता दी कि प्रदेश में 16 नगर निगम 98 नगर पालिका और 294 नगर परिषद के चुनाव प्रस्तावित है। हाल में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा साफ तय के दिन गया है कि चुनाव की तारीख आगे न बढ़ाई गई। 3 मार्च तक जो है मतदाता सूची काम पूरा हो जाए के बाद कब तारीखन के ऐलान की संभावना है। संभावना यह है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में नगरी निकाय चुनाव के आचार संहिता लागू हो जाए। यह कारण है कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टी अपने अपने रणनीति के तहत काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर यह चुनाव जो है नगरी निकाय चुनाव बेहद अहम है कहे कि ये मां कांग्रेस कहो न कहो आपन अस्तित्व बचावे के प्रयास कर रही है और कहो न कहो बीजेपी ये मां आपन जो है बची साख मतलब जो साख ही बीजेपी के वह बची रहे ओके खेती प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टी एड़ी चोटी के जोर लगा रही है किंतु भाजपा यह नया फार्मूला ले आए के बाद कहो न कहो अब युवन का तहरीज दे पर विचार कर रही है। तब देखब दिलचस्प हुई कि अब नया फार्मूला जो युवन के कंधा में है अब कितना सफलतम होते है। अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद प्रणाम।